दोस्तों अब हम इस वीडियो में सीखेंगे टूल नंबर 2 का एक्स एक्सिस का 0 कैसे सेट करना है। सबसे पहले हम जाएंगे MDI मोड में। MDI मोड में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टूल नंबर 2 M16D1 M03 S500। ठीक है, इतना लिखने के बाद रिसेट लगा के साइकिल स्टार्ट कर देना है। अब हम जाएंगे जोग मोड में। जोग मोड में जाना है बाद में। अब एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे आपको टूल को टच करवाना है ऊपर। जब टूल नज़दीक आ जाए तो फीड ओवरराइड का बटन धीमा करना है आपको, ठीक है ना। फीड ओवरराइड का बटन धीरा करके डायामीटर के ऊपर टूल को टच करवा देना है। ये अभी टूल देखो टच हो गया है। अब जेड प्लस का बटन दबा के मैं एक पूरा कट लगा देता हूँ जॉब के ऊपर, पूरा एक कट लगा देता हूँ। देखो ये कट लग रहा है अभी, ठीक है, ये कट अभी लग चुका है। अब टूल को जो है वो मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ। टूल को दूर लेने के बाद रिसेट लगा दिया मैंने। अब ये जो डायमीटर है जहाँ पे कट लगा हुआ है, ये डायमीटर आपको नापना है। नापने के बाद उसका जो भी नाप रहता है, मान लो कि अभी ये डायमीटर 41.109 है, 41.109 है। मान लो कि ये जो डायमीटर पे जहाँ पे कट लगा हुआ है वो 41.109 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो दो नंबर का टूल है वो एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, एक्स 41.109 पे है, ठीक है। तो हमें मशीन को बता देना है, वो कैसे बताएंगे। मेजर टूल में जाना है, मैन्युअली में जाना है। मेजर टूल के बाद मैन्युअली एक्स वाला ये बटन दबाना है आपको। एक्स वाला बटन दबाने के बाद एरो की से नीचे लेके यहाँ पे आपको लिखना है क्या, जो डायमीटर पे कट लगा हुआ है वो जो जितने का डायमीटर है ना, वो डायमीटर आपको लिखना है, जैसे 41.109, ठीक है। इतना लिखने के बाद इनपुट दबाना है। अब सेट लेंथ और सेव पोजीशन, अब दो बार बैक का बटन दबा देना है। ये हो गया टूल नंबर 2 का एक्स एक्सिस का 0। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से सिम्यूमेरिक कंट्रोल 8 to 8D में एक्स एक्सिस का 0 ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना।